हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। एक मिनट के अंदर अंदर हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनके एंगल जो भी दे रखे हैं आपको 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिख लेंगे। उसके बाद में आप सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे। उस साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और इन सबके बटे में आपको लेना है 4, और इन सब का निकालना है रूट। अब देखिए, यहां पर 0/4 है, उसके ऊपर रूट है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 0। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। इसे जब आप कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 लिख देंगे। √3 एज इट इज रहेगा और 4 का रूट निकल जाएगा 2। 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 एकम 4 एक आ जाएगा और 1 का रूट कितना होता है 1। ये आ गई हमारी साइन की वैल्यू, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गई ये वैल्यू निकलकर हमारी साइन की। साइन 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। अब इसका हम रिवर्स कर देते हैं। जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर रिवर्स कर दो इसका उल्टा, यहाँ पर 1 है तो 1 लो यहाँ, √3/2 यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा और 45 का यही रहेगा, 1/2 उठ कर चला जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद निकालेंगे हम 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 10 बराबर होता है sin/cos, ठीक है, तो यानी कि 0/1। जब 0/1 होगा तो क्या निकल कर आता है यहाँ से, एक तो होता है 1/0, एक होता है 0/1, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0। अब देखिए, इस 1/2 के बटे में √3/2 जाएगा तो 2 से 2 तो हो जाएगा कट, यहाँ बचेगा 1/√3। √2 से √2 हो जाएगा कट, क्या बचेगा 1। 2 से हो जाएगा 2 कट, क्या बचेगा आपका √3। 1/0, जब 1 के अपॉन में 0 आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसे आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, वैसे आप इसे नॉट डिफाइंड लिखें तो बेहतर है। अब आगे आ जाइए, अब किसकी निकालनी है हमें, कॉसेक की। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/0 का उल्टा हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे हम, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहता है। कॉस किसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद में 10, 0 का उल्टा करेंगे फिर इनफाइनाइट आ जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा करेंगे √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0। तो देखा आपने, ये हमारी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर टेबल बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।